इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कोविड-19 वैक्सीनेशन का बेनिफिशियरी आईडी कैसे मालूम कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बना रखा था, लेकिन अपडेट ज़्यादा आने के कारण ये वीडियो फिर से बना रहा हूँ। बेनिफिशियरी आईडी के जरिए आप अपना कोविड-19 वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन एक नया अपडेट आ गया है, एक नया तरीका है जिसके जरिए आप बिना रेफरेंस आईडी के भी अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं बेनिफिशियरी आईडी के बिना सर्टिफिकेट डाउनलोड करना, तो आप उस तरीके से वो भी कर सकेंगे। तो चलिए हम जानते हैं कि कैसे बेनिफिशियरी आईडी हमें मालूम करना है। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु ऐप को सर्च करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। इंस्टॉल करने के बाद आप इसको ओपन कर लेंगे। मैं यहाँ पर से इसको ओपन कर लेता हूँ। ऐप ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पर ऊपर कोविन के ऊपर टैप कर लेना है और यहाँ पर वैक्सीनेशन लॉगिन रजिस्टर पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर प्रोसीड पर, यहाँ पर आप अपना वो वाला मोबाइल नंबर ऐड कर लेंगे जो कि आपने वैक्सीन लेते वक्त रजिस्टर करवाया था, या फिर आपने ऑनलाइन रजिस्टर करते वक्त जो नंबर डाला था, तो यहाँ पर वो नंबर ऐड करके यहाँ पर प्रोसीड टू वेरीफाई उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। और आपके उस मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड जाएगा जो कि आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। OTP एंटर करने के बाद प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक कर लीजिए और उसके बाद आपकी वैक्सीनेशन डिटेल्स आपको शो कर दी जाएगी। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, आपका नेम, आपने कौन सा डोज लिया है, पहला दूसरा जो भी डोज लिया है वो आपको यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपने नेम के ऊपर टैप कर लेना है। आप जैसे ही अपने नेम के ऊपर टैप करेंगे तो उसके बाद नीचे काफ़ी सारी डिटेल्स ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपका नेम, जेंडर, ईयर ऑफ बर्थ, फोटो आईडी, बेनिफिशियरी आईडी, वैक्सीनेशन स्टेटस और अपॉइंटमेंट आपको शो कर दी जाएगी। तो यहाँ पर आपको आपका बेनिफिशियरी आईडी मिल जाएगा। यहाँ पर से आप अपने बेनिफिशियरी आईडी को कॉपी कर सकते हैं या फिर आप कहीं पर नोट कर सकते हैं, जिसके जरिए आप वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकेंगे। वैसे तो बेनिफिशियरी आईडी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड के लिए यूज़ होता है, लेकिन कई बार मुझे कमेंट आई है कि बेनिफिशियरी आईडी के जरिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं जनरेट हो रहा है। तो इन केस में आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी जिसके जरिए आप विथआउट बेनिफिशियरी आईडी भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने कोविड के ऊपर और भी यूजफुल वीडियोस बना रखे हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां पर से देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।